सो so, हेलो ये है लेक्चर नंबर सेकंड हमारे इस कोर्स का प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट हमारा टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उस पर एक टॉपिक हमारा रिमेनिंग रह गया था बेसिकली इंटरेस्ट हमने सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया था देन उसके बाद में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया था एंड हमने एन का पोर्सन डिस्कस किया था एंड उस पोर्सन हम पर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे नाउ हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस इंटरेस्ट वैसे उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं रहते हैं लेकिन अगर आप लास्ट ट्वेंटी वन वाला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर ऑप्शंस जो रिज़ल्ट करने थे वहां पर आपको कंटीन्यूअस इंटरेस्ट का फार्मूला भी पता होना चाहिए ओके okay, तो इसलिए वो पोर्शन भी हम लोग कवर कर लेंगे देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइज्ड कॉस्ट एंड उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट एंड टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम लोग अगर सफिशिएंट टाइम रहेगा तो हम लोग इसको कवर करेंगे अदरवाइज हम ओनली कैपिटलाइज्ड कॉस्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में देन इसके बाद क्वेश्चन हम टॉपिक uh, के साथ के साथ डिस्कस करेंगे ओके सो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर कंटीन्यूअस इंटरेस्ट की सो देखिए कंटिन्यूस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है नेम से ही पता चल रहा है कि वहां पर इंटरेस्ट जो है कंटिन्यूस रहेगा अब ऐसा नहीं है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट या फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट कंटिन्यूस नहीं रहता है. लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस का मतलब होता है कि लाइक इनफाइनाइट टाइम मतलब ऐसा हो रहा है कि लाइक like, आप आपका जो कंपाउंड आप करते हो ना इंटरेस्ट को लाइक like, वो ईच डे में या फिर हर ओवर में या फिर इवन हर सेकंड में वो बेसिकली क्या हो रहा है कंपाउंड हो रहा है देन उस केस में हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूअस इंटरेस्ट सिंपल हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम जो आपका पीरियड है टोटल उसमें वो इनफाइनाइट टाइम बेसिकली कंपाउंड हो रहा है ओके okay? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टॉपिक देखिए कंटीन्यूअस इंटरेस्ट कंटीन्यूअस इंटरेस्ट सो इसमें सिंपली हम लिखते हैं ओके uh, okay, मतलब आप सिंपली समझ भी सकते हो कि जस्ट इनफाइनाइट टाइम्स मतलब कि इसमें uh, जो इंटरेस्ट है वो मतलब कि कंटिन्यूस uh, uh, होता है ओके okay? इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूस इंटरेस्ट बोलते हैं अगर हम इसके लिए लाइक अगर फॉर्मुला लिखे मतलब सिंपल में फ्यूचर वैल्यू के टाइम में लिख रहा हूँ ठीक है सो फ्यूचर वैल्यू देखिए क्या होगा एफ इक्वल टू पी पी मतलब हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं देन उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर टर्म लिखते हैं वन प्लस पावर एम इन टू एन ये टाइम हम लोग लिखते थे ओके okay, यहाँ पर आर बाई एम है Now, इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर देने एम क्या बताया था एनुअल में कितने बार आपका इंटरेस्ट जो है रिपीट हो रहा है जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिक्स मंथ में हो रहा है तो दो बार हो गया बेसिकली एनुअल उसके बाद अगर क्वार्टरली बोल रहे हैं तो फोर टाइम्स मतलब रिपीट हो गया तो एम यहां पर नंबर होता है तो यहां पर मैं देखिए सिंपली इन्फाइनाइट लिख रहा हूं मतलब एम को मैं यहाँ पर सिंपली क्या पुट कर दे रहा हूँ इनफिनिटी पुट कर दे रहा हूं मतलब इनफाइनाइट टाइम्स मेरा इंटरेस्ट जो है यहाँ पर

एंड आर आर इन टू एन सिंपली है ना इस तरीके से इसने लिख रखा है अगर आप आ, uh, बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज नाउ ये जो बेसिकली uh, टर्म है यहाँ पर देखिए लिमिट लिमिट एम टेंस टू तो इन्फिनिटी लिमिट एम टेंस टू तो इन्फिनिटी इन ऑफ वन प्लस आर बाई एम ऑफ पावर एम बाई आर ये जो टर्म होता है ना बेसिकली इसको ये लिखता है एक्सपोनशियल ठीक है इसकी वैल्यू बेसिकली एक्सपोनशियल की इक्वल आती है अगर आप एक्सपोनशियल की वैल्यू देखते हो ना तो वैल्यू आपको मिलती है समथिंग टू पॉइंट सेवन वन है ना 2.71 या फिर इसमें और भी आप इंटीजर लिखो तो uh, next integer इसमें रहेगा eight to eight something करके आप आप लिख सकते हो हो इस को बेसिकली जब करते नेक्स्टिंग आर पे तो बेसिकली वैल्यू इसके इक्वल होती है तो अभी ये क्या कर देगा इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा तो एक आपको एक नया फॉर्मुला मिल जाएगा यहाँ पर देखिए आप सिंपली लिख सकते हो फ्यूचर वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस इंटरेस्ट एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू पी तो यहाँ पर एक्जिस्ट कर रहा है इन टू एक्सपोनशियल पावर एक्सपोनशियल पावर में रिमेनिंग क्या रहने वाला है अभी ओके सो पर सिंपली लिख देगा इसको आर इंटू एन रिप्लेस कर दिया है ये जो था इसको मैंने कैपिटल से लिख दिया इसलिए ठीक है तो ये एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया यहां पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब अगर आपके पास कंटिन्यूअस इंटरेस्ट होता है तो आपका फॉर्मूला हो गया एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू पी इन टू ई पावर आर बाई पावर आर इंटू एन सिंपली ये चीज क्लियर है इसको आपको याद रखना ये ये आपके लिए है है ना तो यहाँ है ना तो अब पर जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं देखिए जस्ट इसको यहाँ पर नेम, नेमिंग करते हैं हम लोग फैक्टर हुआ है जस्ट कि जो आपका प्रिंसिपल था, उससे पर्टिकुलर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि आपको फ्यूचर वैल्यू मिलती है बेस्ड ऑन द टिन्यूअस इंटरेस्ट आर यहां पर इंटरेस्ट रेट होगा एन यहां पर सिंपली नंबर ऑफ इयर्स होगा सो एफ इज इक्वल टू पी इंटू पी इंटू पावर एक्सपोनशियल पावर आर इंटू एन सो यहां पर ई e, जो फैक्टर है बेसिकली पर ई पावर आर इंटू एन ये बेसिकली क्या हो जाता है कंटिन्यूअस सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर कंटिन्यूस सिंगल पेमेंट अमाउंट फैक्टर और इसे हम लोग यहां पर फ्यूचर वर्क फैक्टर भी बोलते हैं मतलब कंटिन्यूअस सिंगल पेमेंट फ्यूचर वर्थ फैक्टर भी बेसिकली से बोलते हैं और कंटिन्यूस्यूअस सिंगल पेमेंट सिंगल पेमेंट ओके अमाउंट फैक्टर ना बोल के इसे हम लोग फ्यूचर वर्थ फैक्टर भी बोलते हैं फ्यूचर वर्थ फैक्टर ओके ये चीज हम बोल सकते हैं मतलब ये जो एक्चुअली एक्सपोनशियल होता है मतलब आप ये बोल सकते हो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो लाइक like, सिंपली ई पावर मतलब ई पावर आर बाई पावर आर इंटू एन जो है अगर आप इसे देखोगे कि तो किसके फ्यूचर अमाउंट बेसिकली होता उसको P से तो ये आपको मिलता है ना तो आप बोल सकते होगा यहाँ पर एफ पे डिपेंड करेगा पी पे डिपेंड करेगा आर पे डिपेंड करेगा एन पे डिपेंड करेगा मीन सिंपली ई पावर ई पावर आर इंटू एन इज इक्वल टू मतलब जो मैं रहा हूं, function, ना? Of, इस तरीके से आप लिख सकते हो एन आर एन कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन जो भी आप इसको लिखो बेसिकली है ना इसका बेसिकली फैक्टर होता है ओके okay? ये चीज क्लियर है अभी तो अब इस पर पर एक एक इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं, एक effectiveness factor define करते हैं हैं इफेक्टिवनेस फैक्टर डिफाइन मतलब इंटरेस्ट का जो हम लोग इफेक्टिवनेस बोलते हैं ना तो इफेक्टिवनेस इंटरेस्ट बेसिकली देखिए क्या होगा इफेक्टिव 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 इंटरेस्ट देखिए यहां पर क्या होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव तो इंटरेस्ट का कंटिन्यूस इंटरेस्ट के केस में देखिए फॉर्मुला क्या हो जाता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इसे मैं सिंपली लिख रहा हूँ आई इफेक्टिव है ना जो हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है तो वो आई इफेक्टिव बेसिकली पर इंटरेस्ट के केस में हो जाता है पावर आर माइनस ऑफ ये आपको याद रखना है पर मतलब कि देखिए एक इक्वेशन आप यहां पर नंबरिंग कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है ये वाली कि एफ इक्वल टू जो यहाँ पर है वो होता है पी इंटू पावर आर इंटू एन एंड सेकेंड टाइम यहाँ पर आई इफेक्टिव जो बेसिकली वो होता है ई पावर आर माइनस वन ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया यहां से आप देखिए R की लिए, भी आप याद रख सकते हो सिंपली ये इफेक्टिव के साथ एड हो जाएगा मतलब one plus effective, यहाँ पर जब आप आप को करोगे तो सिंपली आ, आ जाएगा LN of one plus of I effective. इस तरीके से भी आप I, R भी के लिए दो इक्वेशन तो याद रखना है अब एक काम कर सकते हैं बेसिकली यहां पर देखिए हमें एक्सपोनशियल हम हम में है ना तो सिंपली देखिए हमें क्या मिल जाएगा एफ ज इक्वल टू एफ इज द फ्यूचर वैल्यू सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल इज मल्टीप्लाई बाई पावर आर इंटू एन अब यहां पर सिंपली मैं देखिए रिप्लेस कराऊँ पी तो यहां पर अवेलेबल ऑलरेडी पी इंटू पावर आर बाई एन इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना ई पावर आर बाई एन मैंने क्या बोला है ई पावर आर बाई एन बेसिकली देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर ई बाई आर पावर एन जो बेसिकली है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंपली यहाँ पर देखिए ई पावर ई पावर आर इंटू एन जो है ये आपका बन जाता है वन प्लस ऑफ आई इफेक्टिव पावर एन ये चीज हम इसको लिख रहे हैं सिंपली तो यहां पर आप देख सकते हो भी एफ इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा इसको मैं ओके uh, okay, यहां पर हम लोग पुट करते हैं पी इंटू ऑफ आई ई पावर आर इंटू एन तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस ऑफ आई इफेक्टिव पावर एन तो यहां पर टोटल आप uh, तीन इक्वेशन याद रख सकते हो इज इक्वल टू देखिए एफ इक्वल टू पी इंटू पावर आर इंटू एन that is equal to p into 1 plus of i effective power n to ye aapko total three number of equations yahan par yaad rakhni hai basically continuous interest agar aapko in case given hota to isko main third equation number third likh raha hu okay last yahan par okay ye total three number of equations aapko yahan par kya karna hai yaad rakhna hai okay इस पर बेस directly आपको formula based question easily पूछा जा सकता है है ना okay, बिल्कुल uh, first slide स्लाइड देखो yes. इक्वेशन नंबर वन एफ इक्वल टू पी इंटू पावर आर इंटू एन देन इक्वेशन टू इज आई टू पावर आर माइनस वन देन इक्वेशन नंबर आर इंटू एन था उसमें जस्ट ई पावर आर एन की जगह में हम लोग पुट कर देते हैं वहां पर ये वैल्यू बेसिकली वन प्लस आई इफेक्ट पावर एन तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है ठीक है और कुछ भी नहीं इसमें जस्ट कंटिन्यूअस इंटरेस्ट जो मैंने बोल दिया कि इनफाइनाइट नंबर मतलब Even हर ओवर में या फिर हर सेकंड में आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा होगा okay? क्वेश्चन वाला में सोचना क्या है में, में, ना इतना जस्ट मैंने जो आपको बोला एफ इक्वल टू पी इंटू पावर आर आपको जो बेसिकली है वो याद रखना है ठीक है okay. so अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट uh, एक uh, वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं तो बेटर रहेगा Even आपको टिम्बर में एक क्वेश्चन मिलेगा जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसको करने का कोई सेंस नहीं है लेकिन हम लोग ये काम करते हैं जो गेट 21 में क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात हम लोग करते हैं ठीक है ओके क्लियर है क्वेश्चन okay, है? so, लिखते हैं देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली गेट ट्वेंटी वन का क्वेश्चन था इसमें हमें गिवन था ए प्रिंसिपल अमाउंट ए प्रिंसिपल अमाउंट इज चार्ज ए प्रिंसिपल अमाउंट इज चार्ज ए नॉमिनल इंटरेस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट समझिए क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट क्लियर है इंटरेस्ट इज इफ द इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट रेट इज इफ द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली Final amount The final amount at the at the end of At the end of one year would be ओके okay, अब ऑप्शंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए ए प्रिंसिपल अमाउंट इज चार्ज ए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट इफ द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली जो टॉपिक अभी अभी ने डिस्कस किया ना इसने बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली होता है देन द फाइनल अमाउंट अमाउंट एट द एंड ऑफ वन ईयर वुड बी सो ऑप्शन देखिए ऑप्शन वन हाइयर देन द अमाउंट हाइयर देन द अमाउंट ऑप्टेंड

उंट ऑफ टेंड व इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड बाकी स्टेटमेंट से, इस से देखे पर. से इस पहला स्टेटमेंट हाइयर था मतलब जस्ट पहलाउंट ऑफ वेन इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड मंथली ना ऑप्शन टू इक्वल टू वन पॉइंट थ्री सिक्स फाइव टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट the principal amount then the last option is equal to equal to the amount obtained when when using an effective interest when using an effective interest rate ऑफ ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन एट परसेंट ओके ये ऑप्शन है ये ट्वेंटी वन का क्वेश्चन था देखो भी इसका क्या आंसर रहेगा ट्राई करो इसको खुद से करने के लिए तो जब आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली है ना कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली ये मैंने बोला ना तो जब ये वाला इंटरेस्ट इसने बोला है मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है जस्ट पी इंटू ई पावर आर इंटू एन ये चीज आपको क्लियर होगी अभी जस्ट हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में तो मैं अभी मूव कर रहा हूं देखिए सो so, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग गेट ट्वेंटी है सबसे पहले मैं आपको यहां पे लिख रहा हूँ कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्यूचर वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज एस इक्वल टू पी इन जस्ट एस ही लिखो इसको एफ लिखो एक ही बात है ठीक है ना एस बी फ्यूचर वैल्यू को डिपेंड रिप्रेजेंट uh, कर रहा है और एफ बी फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है सो एफ या फिर एस इज इक्वल टू पी इन ई पावर आर इन एन ये चीज क्लियर है तो हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है जस्ट आर गिवन है वेर आर इज द नॉमिनल एनुअल नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट rate 10% means 10% means 0.1 principal amount is charged a in nominal interest rate of 10% if the interest rate is compounded continuously okay कंटिन्यूसली ओके नाउ नेक्स्ट देखिए इसमें अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर अगर एन की बात करें हम तो एन वन ईयर हो जाएगा ना वन ईयर के एन में हमें पूछा है कि वैल्यू कितनी होगी सिंपली so मैं यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इन टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में है नहीं वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे सो एस इक्वल टू पी पी इन टू ई पावर देखिए ई पावर कितना हो जाएगा ओके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट की है सो so मैं उसकी जगह लिख दे रहा हूं यहां पर पॉइंट वन देन उसके बाद में जो एन है आर हो गया पॉइंट वन लेकिन एन जो है अब हमें यहाँ पर देखिए एनुअल एनुअलडर करके चलना पड़ेगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंसिडर हैं तो एन लाइक like मैंने वन ईयर के एंड में कंसिड करना था तो एन मैंने वन कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन जस्ट वन पुट कर दिया ठीक है तो यहां से सोल्व करो इसको ये जस्ट ई पावर पॉइंट वन कितना होगा कैलकुलेट में कैलकुलेट करके देखिए उसको ई पावर पॉइंट वन जो है वो होगा जस्ट वन पॉइंट वन जीरो पी हो गया अभी ओके okay? तो अभी अगर हम लोग देखे कि फ्यूचर मतलब की वैल्यू यस ओके यस वन पॉइंट वन जीरो पी

So, अब उसके बाद एक काम करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं तो मैंने आपको बताया जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फ्यूचर इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इफेक्टिव uh, e का ई पावर पॉइंट वन माइनस वन इक्वल टू जाएगा आपको देखिए okay, e uh, तो आपको मिल जाएगा

10.5% तो हमारा अमाउंट इक्वल आता फ्यूचर अमाउंट जो था अगर आप आई इफेक्टिव 10.5 यूज करो या फिर आप जो ये यह बोल रहा है, compound, uh, 10 करेगा बट आउट uh, हो गया बिकॉज ट्वेंटी नहीं आ रहा है आई इफेक्टिव हमारा आ रहा है टेन मतलब फाइव मतलब अगर आप आई इफेक्टिव करते हो तो वैल्यू इक्वल आती है बेसिकली uh, uh, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकलीस इंटरेस्ट बेसिकली जब यूज करते हो ओके okay, ठीक है ऑप्शन ए देखते हैं ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा या इन करेक्ट होगा देखते हैं ऑप्शन ए बोल रहा है कि हाइयर देन द अमाउंट इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड मंथली ओके उससे हाइयर आएगा एक बोल रहा है कि लोअर आएगा ठीक है प्रोबेबिलिटी तो हाइयर वाला ही है तो देखते हैं हम लोग इसमें और क्या कमेंट कर सकते हैं सो so, देखिए आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना तो वो आपको जो आपका इंटरेस्ट रेट जो रहता है बेसिकली आ, मतलब कंपाउंडेड कंटिन्यूस देखिए उसमें कंपाउंडेड कंटिन्यूअस को अगर आप कंपेयर करोगे जस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट से तो ऑलवेज आपको कंपाउंडेड जो कंटिन्यूस इंटरेस्ट होता है वो आपको ऑलवेज हायर मिलता है आप कभी भी क्वेश्चन करके देखिए इस पर ठीक है तो क्लियरली यहाँ पर आप ये चीज देख भी सकते हो कि जो यहां पर एस मिल रहा है देखिए ये तो ठीक है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वन पॉइंट जीरो मिल रहा है यहाँ से ये बोल सकता हूँ विच मीन which means that that final amount which means that final amount final amount at the end of at the end of one year is higher than amount amount obtained if if interest rate is उंडेड इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड मंथली चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो ईयर uh, में टू टाइम्स हो रहा even monthly हो इवन वो मंथली हो चाहे वो ट्वेल्थ टाइम यूज हो रहा हो बट कभी भी वो कंपाउंडेड कंटिन्यूअस इंटरेस्ट को बेसिकली क्रोस नहीं करेगा जो अमाउंट आपको यहां पर कंपाउंड मंथली इंटरेस्ट से मिलने वाला है तो सिंपली आप यहां पर आंसर कमेंट करोगे की हाइयर अमाउंट जो आपको

ओके okay गाइस तो ये था हमारा यहां पर कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट का जो फाइनल टॉपिक था ये हमने कवर कर लिया नाउ अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक की तरफ तो देखिए हमारा रहने वाला है अभी नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली हमारा रहेगा ओके okay, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ, आ, पूछ सकता है अभी तक यहां तक सारी चीजें क्लियर है आपकी तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं कैपिटलाइज कोर्स कैपिटलाइज कोर्स काफी अच्छा टॉपिक रहता है बिकॉज यहाँ से आपको हमेशा दो मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है टू मार्क्स का बहुत जस्ट कैलकुलेशन वाला टॉपिक रहता है अगर आपको अच्छे से सोल्व करना आता है तो आप इजिली स्कोर कर सकते हो वो दो मार्क्स भी देखिए कैपिटलाइज कोर्स ये कैपिटलाइज कोर्स जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हम प्रोफेबिलिटी एनालिसिस का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वहां पर भी डिस्कस करेंगे तो मैं इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में सी सी लिख रहा हूँ कैपिटलाइज कोर्स अब ये जो कैपिटलाइज कोर्स हम पढ़ रहे हैं अभी आप बोल सकते हो कि बेसिक लेवल वाला पढ़ रहे हैं आगे हम लोग अगर आपको लाइक कुछ मेंटेनेंस कोर्स दे रखा है तो उसके लिए आपका कैपिटलाइज का फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा उसकी बात हम आगे करेंगे जिसमें अभी आपको मतलब बेसिक कैपिटलाइज कोर्स बता रहा हूं ये चीज आपको माइंड में याद रखनी है ठीक है तो देखिए कैपिटलाइज कोर्स की मैं बात कर रहा हूं सिंपली ये भी एक भी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मेथड होता है जो मैं लास्ट टॉपिक बोलता हूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जिसमें फोर मेथड्स हम डिस्कस करते हैं तो उन फोर मेथड्स में आपका कैपिटलाइज कोर्स भी पार्ट रहता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ठीक है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं देखिए कैपिटलाइज कॉस्ट इज इज एनालिसिस एनालिसिस मेथड एनालिसिस का का मेथड मीनिंग होता है बेसिकली ये एक सिंपली मेथड होता है मतलब लाइक आपके पास दो इक्विपमेंट है दो आपके पास लाइक अगर मैं इंडस्ट्री एग्जांपल अगर आपको दूं तो लाइक दो हीट एक्सचेंजर आपके पास में ठीक है दो अलग अलग कंपनी बेसिकली मतलब अलग अलग कंपनी ने उनको मतलब बनाया है मैन्युफेक्चर किया है तो दो अलग अलग कंपनी आके लाइक अगर आपको वो इक्विपमेंट सेल करेगी तो वो उसके बारे में कोई बोलेगा कि हमारे इक्विपमेंट का इतना सर्विस लाइफ है इतना कोस्ट है इतना मेंटेनेंस कोस्ट लगता है दूसरा कंपनी कुछ अलग से वहां पर आपको बताएगी तो उसमें से अब आपको चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है तो आप अपने लेवल पर अपना प्रोबेबिलिटी एनालिस करोगे

जस्ट द कंपेयर जस्ट कंपेयर द अल्टरनेटिव है ना अल्टरनेटिव आपके पास दो ऑप्शन है न, उसमें से आपको बेटर आ, बेटर चूज करना है ना तो जस्ट आपके पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेस्ट है हमारे पास ना एंड एंड दैट्स वाई एंड दैट्स वाई इंटरेस्ट आर विदड्रॉन इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट आर विदड्रॉन every year every year so that so that the calculation so that the calculation become सिंपल जस्ट ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मतलब हम लोग ये कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट अगर आपको लाइक कुछ मिल रहा है वो बेसिकली आप पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर सेम पैसा आप उस इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट ना करके आपको वहां पर इंटरेस्ट भी तो मिलता ना तो उस वे में वो स्टेटमेंट होता है लेकिन हम लोग मतलब इंटरेस्ट जो बिकॉज देखिए अगर आप इंटरेस्ट किसी इक्विपमेंट मतलब किसी पटिकुलर अमाउंट का कैपिटल का अगर आप अमाउंट कंसिड करते हो तो उसपे लाइक एक पर्टिकुलर ईयर के बाद होता है उसपे इंटरेस्ट होता है

जो लाइक आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ना उसे हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं देन उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल होता है उस वो आपका बेसिकली क्या होता है चेंज होता रहता है वो फिक्स नहीं रहता है कुछ आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है है हाँ ना कुछ आपने रॉ मटेरियल खरीदा वो सब चीजें उस पर डिपेंड करती है वो वर्किंग कैपिटल बेसिकली मुझे बोलता है फिक्स कैपिटल बेसिकली वो होता है जो आपका लाइक आपने स्टार्टिंग में उस इक्विपमेंट को खरीदने में बेसिकली परचेज करने के लिए जो आपने कॉस्ट अप्लाई किया देन उसके बाद उसको स्टेबल करने के लिए ना, होता है ड्यूरिंग like मतलब इंस्टॉलेशन उस uh, कुछ पाइपिंग होती है उसकी कॉस्ट लगती है ना इंस्ट्रूमेंटेशन पाइपिंग इक्विपमेंट तो वो सब कंप्लीट एक बेसिकली आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनता है ना सो फॉर ए फॉर ए फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ वी नॉट द मनी द मनी

दैंक विल बी विल बी वन पॉइंट फाइव टाइम्स वन पॉइंट फाइव टाइम्स और टू टाइम्स टू टाइम्स द वी नोट ओके सो अब अल्टीमेटली क्या होता है कि एक्चुअली में मतलब हम लोग मतलब आ, जो इक्विपमेंट का कॉस्ट होता है उससे मल्टीपल मतलब उसका वन पॉइंट फाइव ये जस्ट ऑलवेज हम लोग बार बार ये बात क्यों करते हैं मनी डिपोजिट और कलेक्ट करना बिकॉज हम लोग यहाँ प्रोफिट एनालिसिस जब भी बात करते हैं मतलब किसी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना है तो ऑलवेज आप उसका फ्यूचर उसके फ्यूचर के मतलब रिप्लेसमेंट की बात ऑलवेज आप करते हो ठीक है प्रोफिट एनालिसिस मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट आज आपने परचेज कर लिया लेकिन उसका फ्यूचर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा वो चीज हम ऑलवेज उसके साथ उसकी हम लोग बात करते हैं तो ये जो जहां भी हम लोग प्रॉफिट बात करते हैं साथ में वो चीज भी हम देखते हैं कि उस इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट कितना को, कितना होगा कितना होगा वैल्यू ना ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक बार पर इक्विपमेंट परचेज कर लिया जस्ट आप उस पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए जैसे आप कैलकुलेशन करते हो ऐसा नहीं होता है तो अभी कुछ एजम्पन्स की हम लोग बात करते हैं देखिए कैपिटाइज कोस्ट के लिए एजम्पन्स अजम्पन्स तो देखिए पहला एजम्पन हमारे यहाँ पर यह रहता है कि कैपिटलाइज कोस्ट कैपिटलाइज कोस्ट मतलब जो ये मेथड होता, होता है कैपिटलाइज कोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का जो मेथड होता है है ना ये कंसीडर करता है देखिए कैपिटलाइज कोस्ट कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब टाइम को मनी को बेसिकली टाइम का फैक्टर ये कंसीडर करता है ठीक है मतलब कि टाइम के साथ में, होती? होती में मनी बेसिकली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हर ईयर में जो आपका इंटरेस्ट होता है उसको विद्रॉन कर देता आपकी है आपकी तो कैलकुलेशन है तो वही स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी बट डज नॉट बट कंसीडर बट नॉट कंसिडर द कंपाउंडिंग है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करता है कंपाउंडिंग नाउ ये बोलता है पीरियड और ड्यूरिंग द सर्विस सिंपली आप बोल सकते हो मतलब की रिमेन्स क्या रहता है सेम रहता है रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन इसके बाद देखिए मतलब ऑलवेज आप कैपिटलाइज कोस्ट को सिंपली इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट कोस्ट से रिलेट कर सकते हो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सिंपली हम लोग देखिए कैपिटलाइज कोस्ट को रिलेट करते हैं किससे इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट कोस्ट से कैपिटलाइज कोस्ट इज कैपिटलाइज कोस्ट इज रिलेटेड टू कैपिटलाइज कॉस्ट इज रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट देखिए क्मेंट ऑफ कोस्ट ठीक है सिंपली अब आप ये समझ सकते हो लाइक आपको यह क्या दे रहे हैं कि आप पर्टिकुलर इक्विपमेंट की उसकी रिप्लेसमेंट कोस्ट से आप उसको ओके यहां पर पहला स्टेटमेंट तो जस्ट थल स्टेटमेंट था कि कोई भी एक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो लाइक इक्विपमेंट का जो एक्चुअल कोस्ट होता है जस्ट मैंने वी बताया तो जो आपका एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट होता है जो उस रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ये की बात कर करें तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है उसमें सिर्फ इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट मतलब वी इंस्टॉलेनोट उसका एक्चुअल प्राइस नहीं आता है उसमें सारा वो कॉस्ट आता है जो लाइक पाइपिंग कॉस्ट हो गया इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनता है तो उस इक्विपमेंट को जब आप रिप्लेस करोगे तो वो वो टोटल कॉस्ट आप बेसिकली कलेक्ट करोगे ना एज ए इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट

तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि हम इसको बेसिकली किससे कोरिलेट कर रहे हैं रिप्लेसमेंट से ठीक है तो अब आप ये देख सकते हो कि आपके लिए लाइक like, दो इक्विपमेंट है उसमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है जिसका रिप्लेसमेंट कोर्स दोनों के कंपेयर दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो जिसके लिए रिप्लेसमेंट कोस्ट कम आएगा वो आपके लिए बेस्ट इक्विपमेंट है सिंपली ठीक है तो यहां पर हम सिंपली लिख रहे हैं देखिए स्टेटमेंट यहां पर नॉट गिव ल्टरनेटिव मतलब इन दोनों इक्विपमेंट में से आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा कौन साबल होगा जिसमेंगे जिसमें जिसमें तो कैलकुलेट करनी है वो लिस्ट आनी चाहिए वो इक्विपमेंट आपके लिए सिंपली बेस्ट रहेगा आपको याद रहने कि capitalized cost आपके लिए क्या रहने वाला है

इज द कोस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये आप सिंपली इनिशियल प्राइस बोल सकते हो ऑफ इक्विपमेंट जो है जिसे हम लोग नोट लिखते हैं ना ये आप आप कर सकते हो दिस इज नोट या फिर इसे इनिशियल बोल सकते हो इनिशियल को इनिशियल प्राइस बोल सकते हो जस्ट इक्विपमेंट का इनिशियल प्राइस है यहां पर है ना नाउ सेकंड यहां पर हम लोग लिख रहे हैं देखिए C2 बेसिकली क्या लिख रहे हैं द कॉस्ट ऑफ इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट

मैंने आपको क्या बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिंपली जो इक्विपमेंट का कास्ट होता है इनिशियल उसमें से उसका स्क्रेप वैल्यू सालवेज वैल्यू जो होता है वो आप माइनस कर देते हो वही बेसिकली आपका रिप्लेसमेंट uh, कोस्ट रहेगा ना जब आप एक इक्विपमेंट को रिप्लेस करते हो तो जो एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसको जैसे अगर आप सेल करते हो तो उसका कितना अमाउंट आपको मिलेगा वो उसमें से सप्टेट करोगे एक्चुअल अमाउंट में से तो वो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हुआ ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है अब यहां पर ये आप लिख सकते हो वेयर वेर सीज इज द सालवेज पब्लिक स्क्रेप वैल्यू ठीक है आपको ऑलवेज स्क्रेव वैल्यू भी गिवन रहती है तो सालवेज एंड स्क्रेव वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हो गया यहां पर ओके okay? तो अब देखिए ओवरऑल आपका फॉर्मूला क्या बन गया ओवरऑल अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे ओके okay, तो यहाँ पर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सी कैलकुलेट करना ये कॉस्ट फॉर इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट मतलब डायरेक्टली आप इसको ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं बोल सकते देखिए यहां पर मैंने लिखा था कॉस्ट फॉर इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट अब मैं एक्चुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं ठीक है ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो मेरा है ये हो गया सीवी माइनस ऑफ सी एस अब एक्चुअली क्या किया जाता है जो कॉस्ट फॉर इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट होता है मतलब ये एजेटली exactly एक अमाउंट होता है सी टू ये हम लोग किसके हेल्प से कैलकुलेट करते हैं

लाइक टेन ईयर या फिर ट्वेंटी ईयर जितना भी आप बोलो जस्ट टोटल को जैसे आप डिवाइड कर दोगे उसकी सर्विस लाइफ से वो अमाउंट नहीं होता एक्चुअली वो अमाउंट उससे स्मॉल रहता है क्यों स्मॉल रहता है बिकॉज जो आपने एक इन्वेस्ट किया बैंक में एक फिक्स अमाउंट फर्स्ट ईयर उस पर्टिकुलर सर्विस लाइफ में उसमें इंटरेस्ट भी तो एन होने वाला है ठीक है तो लाइक अगर मैं पर्टिकुलर अमाउंट जो उसको सी टू बोलता हूं सीटू विच इज द कोस्ट फॉर इन्फाइनेट रिप्लेसमेंट तो ये जो सी होगा देखिए आप क्या बोलोगे कि ये जो अगर सीटू अगर का अमाउंट बोल रहे तो इसमें फर्स्ट ईयर में क्या हो इसका जो फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्ट किया उस पर एक इंटरेस्ट आएगा फिर आपने सेकंड ईयर में जो इन्वेस्ट किया उस भी कुछ इंटरेस्ट आएगा फिर आपने थर्ड ईयर में जो इन्वेस्ट किया उस भी कुछ इंटरेस्ट आएगा जस्ट एग्जाम्प के लिए मैं बोल रहा आपको ना तो ये सीट के आपका कॉस्ट ऑफ इनफाइनाइट रिप्लेमेंट सीटू इज द कॉस्ट ऑफ इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट ओके तो यहां पर सीटू देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे कैसे आप कैलकुलेट करोगे एन ईयर के लिए आपको सीटू बेसिकली मतलब यहां पर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मतलब हम यहां पर आर जो अमाउंट है मतलब आर आपका जो एक फिक्स अमाउंट आपको मतलब इन्वेस्ट करना है तो वो आर अमाउंट बेसिकली क्या हो जाते है I into C2 होता है। तो आपका अभी मुझे कैलकुलेट करना है वो बेसिकली होगा उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए कॉस्ट फॉर इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट तो आप यहां पर लिखने वाले हो देखिए सी टू मीन्स इक्विपमेंट अमाउंट और उसको रिप्लेस करने का अमाउंट करने के अमाउंट की हम बात कर रहे हैं ना डायरेक्टली वो इक्विपमेंट का अमाउंट नहीं होगा उसमें से value को minus करके तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा जो क्या है इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट कोर्सू इज दैलकुलेटेड सी टू इज द कैलकुलेटेड इन सच वे इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऑन सी टू फोर ए पीरियड ऑफ एन ईयर्स शुड अक्यूमुलेटेड शुड अक्यूमुलेट टू लेकिन आपको रिप्लेसमेंट कोर्स लिखना आपको क्या चाहिए रिप्लेसमेंट कोर्स चाहिए तो रिप्लेसमेंट कोर्स होता है सीवी माइनस ऑफ सी एस आप ये चाहते हो कि ये जो रिप्लेसमेंट है बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट आप सी टू इन्वेस्ट करो और उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसी उसी के बेसिकली कंप्लीट अमाउंट बन जाए तो इसको मैं देखिए कैसे लिखूंगा लाइक like, आज मैंने जो invest, जो इन्वेस्ट इन्वेस्ट अमाउंट बेसिकली किया उस पर मैं क्या देखूंगा उसका फ्यूचर वर्थ मुझे कैलकुलेट करना है ना एक अमाउंट मुझे लाइक like मैंने इन्वेस्ट किया तो उसका फ्यूचर वर्थ कैसे कैलकुलेट करूंगा एस एन इक्वल टू आर अपन एन माइनस ऑफ वन ये हो गया

जो आप एक पर्टिकुलर उस रिप्लेसमेंट कोर्स को बनाने के लिए जो आप एक फिक्स अमाउंट uh, मतलब की यहाँ पर जो आप कलेक्ट कर रहे हो है ना डिपोजिट कर रहे हो कलेक्ट कर रहे हो जो भी आप वर्ड यूज करो उसके लिए तो ये अमाउंट बेसिकली होता है टाइम्स ऑफ द पर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब एक्चुअल जब आप इसकी लैंग्वेज देखते हो ना इस पर्टिकुलर के, के लिए तो हम एक ऐसा अमाउंट बेसिकली सबमिट करते हैं डिपोजिट करते हैं कि उसके इंटरेस्ट से उसके इंटरेस्ट से हमारा फाइनल रिप्लेसमेंट कोर्स बेसिकली बन जाए वहां पर फॉर्म हो जाए है ना

आई पावर एन माइनस वन ये आपका टाइम आ गया अब फाइनली जब यहाँ से आपको c2 मिल गया तो आप लिख सकते हो कैपिटलाइज को सी सी कैपिटलाइज को सी सी इज इक्वल प्लस ऑफ c2 तो c1 को आप सी भी लिख सकते हो सी जस्ट इनिशियल कॉस्ट हो गया c1 तो देन प्लस ऑफ दिस रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो इस c2 को आपको पुट कर देना है इसमें सी वी माइनस ऑफ सी इज डिवाइडेड बाई वन ऑफ आई पावर एन यहां पर देखिए कहीं भी हमने मेंटेनेंस कोर्स की बात नहीं की है तो ये जब आपको विदाउट मेंटेनेंस जब एक इक्विपमेंट गिवन होता है उसका ये उसका रिप्लेसमेंट कोर्स हो गया ये आपको याद रखना है फिर से एक बार इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ सीवी माइनस सी एस अपॉन वन प्लस आई पावर एन माइनस वन तो मैं इसको वापिस लिख रहा हूं देखिये प्लस सी टू सो सीवन इज सीवी प्लस ऑफ

तो उस केस में आपको फॉर्मूला क्या मिल जाता है देखिए कैपिटलाइज कोर्स इक्वल टू सी वी और यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा वन प्लस ऑफ पावर एन माइनस वन ऑलरेडीट्रेड में वन है सॉरी तो प्लस वन है यहाँ पर प्लस वन है ये में वन प्लस आई पावर एन माइनस वन आपको मिल जाता है यहां से वन से वन कैंसिल आउट हो जाता है तो आप देखते हो कैपिटलाइज कोर्स का फॉर्मूला जो आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है सीवी इन टू वन प्लस आई पावर एन अपॉन ऑफ वन प्लस आई पावर एन माइनस वन

कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू प्लस ऑफ सी वन प्लस तो आपका स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट हो गया सी जो है वो आपका इनफाइनाइट टाइम के रिप्लेसमेंट के लिए जो अमाउंट चाहिए जो तुम बोल रहे हो उनका वो बेसिकली सी होगा ठीक है तो टोटल कैपिटलाइज कॉस्ट हो गया अरे सिंपल सी बात है ना ये टोटल अमाउंट कम आना चाहिए ना आपका तभी तो आपके लिए बेस्ट कंडीशन है टोटल अमाउंट आपका कम आ रहेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको देखिए फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये वाला रखना है जस्ट मैंने इफ सी एस इक्वल टू वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी ना उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सीवी इज द CV is the original cost. CV is the original cost of equipment. Original cost of equipment. And CR is the replacement cost. CR is the replacement cost. So replacement cost. कोस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं Just इनिशियल कोस्ट में से सालवेज वैल्यू को सप्लेट कर देते हैं तो यहां पर आप साइड में ये लिख सकते हो कि ओके okay, मैंने यहां पर लिखा हुआ सीआर इक्वल टू सीवी माइनस ऑफ सी एस ओके ये कंप्लीट है क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन यहां पर फॉर्मूला अगर आपका हो गया हो तो मैं आगे मूव करूं ओके देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यहां पर है क्या क्वेश्चन है ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना रिएक्टर रिएक्टर हैज बीन, रिएक्टर हैज बीन इंस्टॉल्ड a reactor has been installed a cost of rupees 50000 50000 and is and is expected and is expected to have and is expected to have a working life of 10 years working life of 10 years with a scrap value विद ए स्क्रेप वैल्यू ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड द दैपिटलाइज कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ ए रिएक्टर बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट

तो इस क्वेश्चन में आपको क्या अप्लाई करना है जस्ट फॉर्मूला लिख सकते हो आप कैपिटलाइज कॉस्ट इक्वल टू सी प्लस ऑफ सीआर अपॉन ऑफ वन प्लस आई पावर एन माइनस वन ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसको अप्लाई कर दीजिए इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है जस्ट गेट का क्वेश्चन था ये देखिए एन टाइप का हो गया ना वेरी गुड वन इज करेक्ट आंसर जस्ट आप वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा इसमें मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर देखिए सी सी इक्वल टू सी बी प्लस ऑफ सी आर अपॉन ऑफ वन प्लस आई पावर एन माइनस वन देखिए अभी ये क्वेश्चन भी सिंपल है तो मैंने जस्ट जो जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिया है अन्य यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस कॉस्ट वाला क्वेश्चन ले लिया वो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा उस केस में ना ठीक है वो एक्चुअली क्वालिटी क्वेश्चन हो जाता है अगर साथ में आपको पूछा और मेंटेनेंस मेन्टेनेंस भी गिवन है

Okay. तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन जो आपको अरे किसी अमाउंट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है उसका फ्यूचर में रिप्लेसमेंट को उसके इक्वल हो जाए वो तो उसका फ्यूचर वैल्यू तो कैलकुलेट करोगे कंपाउंडिंग करोगे ना वही तो किया है सिंपल उसका कंपाउंडिंग किया उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं यहाँ पर जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट वो पर्टिकुलर अमाउंट हम कैलकुलेट करके लाते हैं जो आर था हमारा लाइक आई इन सी टू बेसिकली हमारा एक अमाउंट हम एक्चुअली चाहते हैं कि हम जो अमाउंट बेसिकली पे करते हैं उसके इंटरेस्ट से है ना ऐसा अमाउंट बेसिकली हम लोग चूज करते हैं वो टू एक वैल्यू होता है कि उसको उस पर्टिकुलर आई से इंटरेस्ट जो रेट हमारे ऑलवेज आपके पास इंटरेस्ट होता है जो आप मनी मतलब इन्वेस्ट करते हो उसमें आपके पास इंटरेस्ट आपके पास होता है तो उस इंटरेस्ट से बेसिकली मतलब वो उस पर्टिकुलर अमाउंट का जो इंटरेस्ट बनता है ठीक है वो एक अमाउंट आएगा ना आपको

फ्यूचर कंपाउंडिंग कैलकुलेट करना है फ्यूचर अमाउंट को आप प्रेजेंट में लेके आ रहे हो तो मतलब कि उसको डिस्काउंटिंग का आपको करना है ठीक है ओके। okay. ऑब्वियसली हम लोग सीटू इन्वेस्ट करते हैं ठीक है बेसिकली हम लोग सीटू इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज uh, मतलब रिप्लेसमेंट 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 जो हमारा बनता बनता है C2, C2 रिप्लेस्मेंट, रिप्लेस्मेंट कोस्ट बनता है बेसिकली ना लेकिन वो अमाउंट एक्चुअली ऐसा होता है कि उसके इंटरेस्ट से वो अमाउंट बनता है उसके इंटरेस्ट से वो अमाउंट बनता है आप जब एक्चुअली जब ये आप फॉर्मुला मतलब क्वेश्चन जब कैलकुलेट करते हो तो दोनों वैल्यू को सीवी और जो सीआर मतलब सीवन और सीटू को अलग अलग कैलकुलेट करके देखो कितना कितना अमाउंट आता है उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक हम लोग बेसिकली टू हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम बोल रहे हैं वहां पर इनफाइनाइट सिर्फ एक बार रिप्लेस नहीं होगा इनफाइनाइट टाइम रिप्लेस होगा एक ऐसा अमाउंट सी टू आप इन्वेस्ट करते हो कि उसका इंटरेस्ट जो होता है ना आई इंटू सी टू वो वो ऑलवेज आपको क्या करता है इनफाइनाइट जब एक पर्टिकुलर उसका सर्विस आई होगा फिर से वो इतना अमाउंट प्रिपेयर वहां पर बना देगा बेसिकली ना इंटरेस्ट फिक्स है तो वो इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट के लिए आप सी टू इन्वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से ऑलवेज वो अमाउंट आपके पास उसकी सर्विस लाइफ जब इक्विपमेंट की होती है तो आपके पास वो इक्विपमेंट बेसिकली बन जाता है मतलब उसका सॉरी उसका जो अमाउंट होता है वो आपके पास कलेक्ट हो जाता है पे आप डिपॉजिट कर रहे हो तो तो इस इतना इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें डस्ट में जाने की जरूरत है बि, बिल्कुल बेसिक अमाउंट आपको कैलकुलेट आप जो डिपॉजिट कर रहे हो वो डेफिनेटली सी टू है ठीक है तो एक नेक्स्ट देखते हैं इसी का एप्लीकेशन क्या है कैपिटलाइज का जो बेस्ट एप्लीकेशन होता है जस्ट मैंने जो आपको बताया था कि को तो कंपेयर करना ओके okay. सो so देखिए टॉपिक यहां पर मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ Capitalized course. Simple. एक एनालिसिस मेथड होता है दो इक्विपमेंट आपके पास में रहेंगे तो उनको आप कंपेयर करोगे उनको uh, तो तो देखिए uh, इंपॉर्टेंट uh, नहीं वेंडर मतलब जो भी आप इक्विपमेंट परचेज करते हो पहले उसके लिए जो वेंडर होता है वो आपके पास में uh, बताता है आपका उसको इक्विपमेंट का जो भी उसका फीचर्स होता है इतना सर्विस लाइफियल इतना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं हमारा कैपिटलाइज कॉस्ट बेसिकली वहां पर कैलकुलेट करते हैं सीसी जो होता है ना आ, कौन सा इक्विपमेंट हमारे लिए क्या देगा बेसिकली एप्लीकेशन क्या हो गया इसका कि कौन सा इक्विपमेंट बेसिकली हमारे लिए इकोनॉमिकल है वो हमें कैलकुलेट करना होता है इसे है ना विच इक्विपमेंट इज विच इक्विपमेंट या फिर अगर आप पूरे प्लांट के टाइम में बात करो तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए हो जाएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इक्विपमेंट के लिए वैलिड होता है विच इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट इज मोर इकोनॉमिकल फॉर फॉरेट मोर इकोमिकल ये चीज बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं और ये चीज ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि जो लिस्ट होगा बेसिकली वो हमारे लिए बेस्ट है मतलब, मतलब चाहे आपका इक्विपमेंट हो चाहे आपका प्रोजेक्ट हो है ना विच इक्मेंट एंड प्रोजेक्ट है इज मोर इकोनॉमिकल मोर इकोनॉमिकल फोर एस है ना जस्ट अगर आप एग्जाम्पल लो एक एग्जाम्पल के लिए देखिए अब हीट एक्सचेंजर का एग्जाम्पल ले सकते हो एक हीट एक्सचेंजर आपके पास में है ना उसका इनिशियल कॉस्ट कुछ सी भी दिया उसका सालवेज वैल्यू कुछ दिया उसने उसके बाद एन वन दिया एक सेकंड हीट एक्सचेंजर आपके पास मतलब ये एक ये एक एक्स कंपनी है पास में वाई कंपनी ठीक है एक्स कंपनी बोल रहा है कि हमारे इक्विपमेंट जो है हीट एक्सचेंजर हमारा है उसका कोस्ट सीवी वन है उसका सर्विस वैल्यू सी एस वन है उसके बाद उसका सर्विस लाइफ जो है एन वन हो गया है ना देन उसके बाद सेकंड uh, जो कंपनी है वाई कंपनी जो uh, है उसका वो बोल रहा है कि उसका कोर्स जो है वो सीवी टू है

जस्ट आपको मतलब वो बोलता है कि वो इक्वली इकोनॉमिकल है इक्वली इकोनॉमिकल का मतलब क्या अगर जस्ट आपको इक्वली इकोनॉमिकल इक्वली इकोनॉमिकल का मतलब इक्वल आ रहा है आप कैल्कुलेट कर लेते हो तो बेसिकली लिए काम आता है जस्ट आप दो अगर कोई इक्विपमेंट बोलता है कि इकोनॉमिकली मतलब वो मतलब इकोनॉमिकली इक्वल है सिंपली क्या होगा कि आप कैपिट इक्वल कर दोगे तो आपको समझना है देखिए इक्वली इकोनॉमिकल इक्वली इकोनॉमिकल मीन्स इसका मीनिंग सिंपली क्या होगा वन इज इक्वल टू द कैपिटलाइज कोस्ट फॉर इक्विपमेंट टू ये चीज सिंपल है जस्ट आपकी उनके कैपिटाइज कोस्ट को क्या कर दो इक्वल कर दो ऐसे लिख सकते हो सी फॉर इक्विपमेंट वन इज इक्वल टू सी सी फॉर इक्विपमेंट टू जैसे ओके इस तरीके से आप कर दोगे सो so अब आप ये देख सकते हो लाइक like जस्ट ये कब बेसिकली यूज आता है ना जब आप इक्वली इकोनॉमिकल बोलते हो जस्ट आप दो इक्विपमेंट को इकोनॉमिक इकोनॉमिकली इक्वल बोलते हो तो इसमें जो हमारा मेथड होता है ना कैपिटलाइज कोस्ट कैपिटलाइज कोस्ट इज यूज इज यूज फॉर कंपेयरिंग कंपेरिंग द सर्विस लाइफ द सर्विस लाइफ रिप्लेसमेंट कोस्ट वेल्यू अर्जेक्ट है ना मतलब जस्ट इकोनॉमिकल की हेल्प से आप जो भी अन वेल्यू पैरामीटर होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो दो इक्विंट अगर आपके पास इकोनॉमिकल है ठीक है इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इससे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं देखिए हम लोग पर बेसिक क्वेश्चन है गेट में क्वेश्चन पूछा गया था हमें गिवन था टू पंप वेंडर्स टू सॉरी टू पंप अंडर कंसिडरेशन ना जो आप कंसिडर कर रहे हो टू पंप अंडर कंसिडरेशन अंडर कंसिडरेशन फॉर फॉर फोर इंस्टॉल एट ए प्लांट एट ए प्लांट एट ए प्लांट हैविंग द

इज कोस्ट और सॉलवेज वैल्यू सी वी एक्चुअली यहां पर जैसे इसको जैसा नहीं बोल रहे हैं ये मतलब कैपिटलाइज uh, कोस्ट अगर बोल रहे हैं ना तो वो उसका जस्ट इनिशियल कॉस्ट ही होगा जस्ट सीवी इक्वल टू ये हो गया रुपीज देखिए फोर्टी थाउजेंड एंड ये हो गया सालवेज वैल्यू यहाँ पर गिवन है इसका थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेकंड इक्विपमेंट जो है उसका देखिए फिफ्टी थाउजेंड गिवन है इनिशियल उसका सॉलवेज वैल्यू है ट्वेंटी थाउजेंड देखिए उसके बाद गिवन है यूजिंग कैपिटाइज कोस्ट यूजिंग यूजिंग सीसी कैपिटलाइज कोस्ट मेथड डिटरमाइन डिटरमाइन व्हाट शुड डिटरमाइन व्हाट शुड बी कॉमन लाइफ व्हाट शुड बी कॉमन लाइफ ऑफ द पम्प ऑफ द पम्प फॉर बोथ बोथ टू बी मतलब को कंपेयर कर पाओगे कंपेयर कर पाओगे का मतलब भी है, आप समझ सकते हो इक्वली इकोनॉमिकल ये चीज आपको ऐसे में मेंशन नहीं होगा गेट एग्जाम में वो चीज आपको खुद गेस करनी पड़ेगी ठीक है, है कि अगर ऐसा बोल रहा है इक्वली कंपिटेटिव है मतलब इक्वली इकोनॉमिकल है जस्ट सिंपली है, है ना सो सिंपली इसमें गिवन अ लास्ट लाइन इंटरेस्ट रेट इज टेन परसेंट एनुअली

हेल्प कॉस्ट मेथड सीसी मेथड आपको यूज करना है सीसी एनालिसिस मेथड जो है, उसके बाद आपको इकोनॉमिकल कर, करना और आपको क्या करना? तो इस में था, ये sorry, का क्वेश्चन था गेट थाउजेंड 2003 का देखते हैं लैंग्वेज क्या था यस एग्जैक्टली कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन था सही था मेरा यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बनता है ये जो वर्ड था एक्चुअली जो इनिशियल कोर्स था इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला था कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ये करेक्ट कर लीजिए इस वर्ड को कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गए ओके okay? सो उेंड थ्री का क्वेश्चन है में कुछ भी नहीं करना सीवी प्लस सी आर अपॉन ऑफ वन प्लस आई पावर एन माइनस वन ठीक है इक्वल इकोनॉमिकल मतलब जस्ट पंपे इक्वल टू पंप बी लिख सकता हूं मैं दोनों का कैप्टाइस कोर्स इक्वल हो जाएगा इक्वल टू पंप बी का तो यहां पर आप लिख सकते हो जस्ट और बी को मैं टू लिख रहा हूँ प्लस ऑफ सी आर टू अपॉन ऑफ वन प्लस आई पावर एन माइनस वन देखिये एन को मैं डिफरेंट नहीं पुट कर रहा हूं बिकॉज इसने बोला था कॉमन लाइफ कॉमन जो सर्विस लाइफ है वो कैलकुलेट करना है मीन यहां पर एन वन एन टू अलग अलग नहीं होगा जस्ट

जब आपको इसको सोल्व करोगे यहाँ से तो आपको मिलेगा देखिए टेन थाउजेंड से डिवाइड जब इसको करेंगे आप तो 1. ठीक है, इसके बाद आप इस, इसको रिमूव कर सकते हो लोगटमिक लेके तो ये हो जाएगा एन ऑफ एल एन वन पॉइंट वन इक्वल टू एल एन वन पॉइंट वन सिक्स वन फोर पॉइंट नाइन वेरी गुड सो यहाँ से आ जाता है देखिए एन इक्वल टू एन इक्वल टू एल एन

ठीक है एटलीस्ट कर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी एनआईटी टाइप का नहीं है आपके पास यहां पर देखिए ऑप्शन ए था थ्री इयर्स आप इजीली फाइव ईयर आंसर पर कमेंट कर सकते हो अगर आपका फोर पॉइंट नाइन भी आ रहा है तो देन देन उसके बाद ऑप्शन 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 बी था 5 years, था सी ईयर ईयर डी इज तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इजी है कुछ भी नहीं है जैसे हमने कैपिटलाइज कोर्स क्या किया यहाँ पर इक्वल कर दिया है ओके okay, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी इसी बेसिकली uh, कंसेप्ट ओके फाइव ईयर फोर पॉइंट नाइन फाइव ईयर ओके फाइन फाइन ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए इसमें गिवन है ए न्यू इक्विपमेंट ए न्यू इक्विपमेंट मेड ऑफ मटेरियल ए मटेरियल ए कोस्ट रुपीस थ्री लेख And its salvage value. And its salvage value is ten percent. Similar equipment is made. Similar equipment is made of made of material B. Cost rupees one point five lakh rupees one 1.5 lakh and it's supposed to and it's supposed to have have no scrap value supposed to have no scrap value now assume that assume that both types of यहाँ पर देखिए एक स्टेट एक्स्ट्रा स्टेटमेंट इज़ने गिवन है इस क्वेश्चन में इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ देखिए अज्यूम दैट बोथ टाइप ऑफ इक्विपमेंट बोथ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट कुड बी रिप्लेस्ड एट कुड बी रिप्लेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट इज़ 20% दैट इज़ 20% मोर देन ओरिजनल कोस्ट ठीक है मतलब इसमें कोस्ट जो है इक्विपमेंट का चेंज हो गया आप ऐसा नहीं है कि आप कैपिटलाइज कोर्स यूज नहीं करोगे है ना मेथड बिल्कुल क्वेश्चन में अगर इसने बोला है कि मैं आ, मतलब इंक्रीज हो गया है प्राइस तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा मैंने ये चीज आपको ऑलवेज बोला है कि जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको आपको प्रायरिटी देना वो चीज आपको मान के चलना है

1999 का क्वेश्चन है 1999 का क्वेश्चन है देखिए है ना जैसे हमें ये बोला है कि इक्विपमेंट इक्विपमेंट इज मेड ऑफ द मटेरियल ए जिसका प्राइस थ्री लेख दे दिया सालवेज वैल्यू दे दिया टेन परसेंट उस एक्चुअल थ्री लेख का टेन परसेंट नाउ द सिमिलर इक्विपमेंट इज मेड ऑफ द मटेरियल बी उसका कॉस्ट दे दिया वन पॉइंट मतलब फिफ्टी कॉस्ट है वेट वेट करो जस्ट क्वेश्चन रीड कर लेता हूं so आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर लो सो इट सपोज टू हैव एन नो हेवन वैल्यू अज्यूम दैट द बोथ टाइप ऑफ इक्विपमेंट शुड बी शुड्लेस विद्वेंटी 20% मोर कॉस्ट देन द ओके रिप्लेसमेंट ओके उसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेम है तो यहां पर बोला है कि कैपिटलाइज कॉस्ट मेथड यूज करना है नाउ कंप्लीट करना देखिए इसमें कैलकुलेट करना है एस्टीमेट एस्टीमेट द सर्विस लाइफ एस्टीमेट द सर्विस लाइफ ऑफ बी ओके okay, क्या एस्टिमेट करना मिल गया ना उसके बाद कंप्लीट कर देता हूं मैं द साल्वेज वैल्यू ऑफ द साल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इक्विपमेंट विल बी सेम विल बी सेम आफ्टर आफ्टर इंक्रीजिंग द कोर्स एक और स्टेटमेंट इसने दे दिया सालवेज वैल्यू सेम है जो पहले इक्विपमेंट आपका था Uh, कुछ टेन परसेंट और सेकंड इक्विपमेंट में कोई सालवेज वैल्यू गिवन है तो वो यहाँ पर इवन इंक्रीजिंग so जो प्राइस है उसका 10 आपको consider करना है। Then second में तो आपका है ही नहीं सालवेज वैल्यू तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है कुछ भी। आपको और लाइफ गिवन है देखिए इंटरेस्ट रेट इज फिफ्टीन परसेंट इंटरेस्ट रेट इज फिफ्टीन परसेंट एंड सर्विस लाइफ ऑफ ए इज कैलकुलेट क्या करना है एस्टिमेट सर्विस लाइफ ऑफ बी सर्विस लाइफ ए का गिवन है देखिए सर्विस लाइफ ऑफ ऑफ ए इज 10 इयर्स तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टार्ट कीजिए इसका सॉल्यूशन जस्ट यहां पर आपको करना है कैपिटलाइज कॉस्ट को इक्वल वो चीज सेम रहेगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा ये आपका इक्विपमेंट ए के लिए हो गया मतलब फर्स्ट इक्विपमेंट के लिए है. जस्ट उसको आप उसके बाद सेकेंड के लिए लिख सकते हो सीवी प्लस सी आर अपॉन ऑफ वन प्लस आई पावर एन माइनस वन फॉर इक्विपमेंट बी ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ओके तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं देखिए जस्ट यहां पर आप देख सकते हो कि ये हम लोग पंप ए के लिए मतलब इक्विपमेंट ए के लिए लिख रहे हैं ये इक्विपमेंट है। तो बी के लिए लिख रहे हैं तो इक्विपमेंट ए के लिए कॉस्ट गिवन है थ्री लेख ठीक है थ्री लेख गिवन है ना उसके बाद उसका सैलवेज वैल्यू कितना बोला है टेन परसेंट ऑफ

सीआर जो है देखिए वो इसने बोला है कि सीआर कैलकुलेट करने के लिए जो ये जो था, ये कंसिडर करना, तो करना है ट्वेंटी परसेंट मोर है, उसका आपको करना है। more, ना तो जस्ट ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू टाइम्स हो जाएगा जस्ट वन पॉइंट टू टाइम्स आपको कितना मिलेगा थ्री लेख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज यह हो गया आपका सीवी मतलब ये आपका हो गया समेंट के, के लिए आप लिखोगे सीआर सीआर इक्वल टू सी माइनस थाउजेंड माइनस ऑफ जब सालवेज वैल्यू सालवेज वैल्यू देखिए अभी ओके एक्चुअली इसने सॉरी सालवेज वैल्यू क्या बोला था सेम है वो एक्चुअली सालवेज वैल्यू आपका उसका जो रिप्लेसमेंट मतलब जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ उस पर डिपेंड नहीं करेगा मतलब ठीक है इक्विपमेंट आपका थ्री लेख सिक्सटी थाउजेंड का हो गया लेकिन अभी भी बोल रहा है कि सालवेज वैल्यू सेम है उसने ये नहीं बोला एक्चुअली कि स्टार्टिंग uh, का टेन परसेंट जो पहले का टेन परसेंट जो आ रहा था वो थ्री थर्टी थाउजेंड हुआ ये सेम सालवेज वैल्यू सेम है चाहे इक्विपमेंट आपका थ्री लेख सिक्सटी थाउजेंडा है लेकिन इसका रिप्लेसमेंट और फाइनली सालवेज वैल्यू जो है वो आपका थ्री लेख क्वेश्चन को अच्छे से, से रीड करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ठीक है स्टार्टिंग में, में मैंने वो चीज बोल दिया था कि जो नया प्राइस होगा उसका टेन परसेंट आपको कंसिल करना बट ऐसा नहीं है एक्चुअली ठीक है तो सीआर क्या हो गया जस्ट सीवी माइनस ऑफ मैंने जस्ट ये आपने लिखा है इसमें जो इंक्रीज वैल्यू था लेकिन यहाँ पर सालवेज वैल्यू आपका अभी भी कितना होगा जस्ट स्टार्टिंग में जो गिवन है

सीवी प्लस ऑफ सी आर अपॉन ऑफ वन प्लस आई पावर एन माइनस वन फोर इक्विपमेंट एक्वल टू सी वी प्लस ऑफ सी आर अपॉन ऑफ वन प्लस एन माइनस वन जस्ट यहां पर सी आर आपका जब Cv के इक्वल ही रहेगा इक्विपमेंट बी के लिए बिकॉज वहां पर वैल्यू नहीं है तो देखिए लेकिन लेकिन बिकॉज यहां पर Cv इंक्रीज हो गया था तो ये सी आर आपका चेंज हो जाएगा यहां पर सी आर आपका जस्ट वन पॉइंट फाइव रहेगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा वन पॉइंट एट लेक हो जाएगा अगर आप लेक में लिखते हो तो अदरवाइज आप रुपीज में लिख सकते हो तो रिप्लेस लेक, तो लेक, लेक मतलब ये सारी वैल्यूज आपके पास में है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली आप जस्ट लेख में पुट करो या फिर रुपीज में बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएगा राइट सेम लेकिन दोनों साइड सेम आपको पुट करना जिसमें अगर यहाँ पर लिखो थ्री लेख प्लस ऑफ थ्री लैख 30,000 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ आई ओके आई इंटरेस्ट गिवन है 15 परसेंट पावर टेन सर्विस लाइफ भी गिवन है इक्वल टू सीबी एक्चुअली ये हमें बी के लिए इसको अगर आप जस्ट एन ए लिखते हो और जस भी ये जस्ट एन बी है तो ये एन बी आपको कैलकुलेट करना है ये आपको कैलकुलेट करना है तो so, ये हो गया देखिए वन लेख फिफ्टी प्लस ऑफ वन लेख एट्टी डिवाइडेड बाई वन प्लस पॉइंट पावर एन माइनस तो यहां से जैसे आप सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो आपको मिलता है एन इक्वल टू थ्री पॉइंट एट जीरो फाइव इन ओके क्लियर है सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सो फाइनली हमारा कैपिटलाइज कोर्स जो है अभी के लिए कंप्लीट होता है सिंपल मोस्टली क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपको कैपिटलाइज से सिंपल इसी कैपिटलाइज कोर्स के फॉर्मुले पे बेस आपको मिलते हैं क्वेश्चन जैस आपको कंपेयर करना होता है कभी आपको सर्विस लाइफ गिवन नहीं होता है कभी आपको पर्टिकुलर किसी एक इक्विपमेंट का कोर्स गिवन नहीं होता है इस तरीके से आप इजिली कैलकुलेट कर लेते हो मोस्टली टाइम आपको एन ही पूछा जाता है किसी ना किसी एक कम का एन, जो है वो नॉन रहता है ओके okay, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे फिर से एक बार कैपिटलाइज कोर्स की जब आपका जनरली मेंटेनेंस होता है देन कैपिटलाइज का फॉर्मुला चेंज होता है तो इसमें एक एडिशनल टाइम आती है वो बेसिकली होता है सी आई जो मेंटेनेंस होता है कोर्स तो जस्ट आप इंटरेस्ट से डिवाइड करते हो वो कैसे आता है हम लोग बात करेंगे आगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रेक इवन पॉइंट यस ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस हमने लिखा हुआ था अगर आप यहां पर देखोगे यस ब्रेक एनालिसिस करके लिखा हुआ था ठीक है एक ही बात है ब्रेक पॉइंट ब्रेक इवन एनालिसिस कि उसके बाद हमारा एक ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक रहेगा ओके okay, ऑप्टिमाइजेशन जो है उसी में आपका आएगा ये बेसिकली फिक्स कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट ना वो चीज हम आगे बात करें पहले हम लोग एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट में ही आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट जो बेसिकली ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ना इसी में आगे हम लोग ये की बात करते हैं तो देखते हैं पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट जो टॉपिक हमारा वो कंप्लीट डिस्कस करते हैं पर बिकॉज इसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए ब्रेक इवन पॉइंट में तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के लिए बेसिकली इक्वेशन लिखनी पड़ती है वो इक्वेशन आपको प्रॉपर लिखने आनी चाहिए ओके सो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको मैं सिंपली समझा देता हूं जस्ट कोई भी एक प्लांट आप मतलब इंस्टॉल करते हो ठीक है उसमें सबसे पहले आपको कैपिटल आपका इन्वेस्ट होता है उस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए ना उसको बिल्कुल रन मतलब स्टार्ट करने के लिए देन ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से प्रोफिट देने लग जाता है ऐसा नहीं होता है फिर आप प्रोडक्ट आप बेसिकली मतलब प्रोड्यूस uh, करना स्टार्ट करते हो प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होता है फाइनली उस प्रोडक्ट को आप सेल करना स्टार्ट करते हो जब आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो तो फाइनली क्या होता है बेसिकली जब सेल करना स्टार्ट करते हो तो आपको बेसिकली अर्निंग आना स्टार्ट होता है तो वो अर्निंग बेसिकली जो आपका अर्निंग में से जो प्रोफिट होता है ना बेसिकली वो प्रॉफिट आपके जब इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं नो लॉस नो प्रोफिट कंडीशन

The total cell, the total cell become equal, the total cell become equal to the total annualized cost to the total annualized cost. now it is defined as the point. टोटल सेल द टोटल सेल बिकम इक्वल टू दोटल टोटल सेल्स मतलब टोटल मतलब सेल का मतलब अमाउंट होगा ओके पर्टिकुलर एनुअल की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर नाउ इट इज एनाइसिस इट इज एट इज ए एनालाइसिस ड्यूरिंग द ऑपरेशन

ना कितने टाइम में बेसिकली आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आपको बेसिकली रिकवर हो गया तो इससे आप इजिल प्लांट की तो ऑलवेज आप ये चीज देखोगे बेसिकली जो होता है ना ब्रेकिवन पॉइंट ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है इट इज प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो ये आप डिफाइन करते हो एज एनर मतलब आप प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफाइन करते हो ना आपको ये नहीं देखना है कि आपका कस्टमर क्या है उसकी सेटिस्फेक्शन वो चीज आप नहीं देखते हो सिंपली आप प्लांट के ओनर हो और आपके अकॉर्डिंग बेसिकली आप देखते हो कि प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्लांट है सिंपली और मैंने बेसिकली कितना सेल किया कि मेरे बेसिकली इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाए तो वो बेसिकली मेरे लिए हुआ ना मतलब मैं प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ प्लांट जस्ट प्लांट के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको सिंपली प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है तो अब इसी में बेसिकली जो टाइम आ जाती है हम लोग यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो अब जो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट में आप कितना बेसिकली इन्वेस्ट करते हो

डिड डॉ नॉटेंट नॉट डिटी ऑफ ए प्लांट इसका मतलब समझिए फिक्स कॉस्ट कोस वो कॉस्ट होता है जो प्लांट की प्लान मतलब चल रहा है रनिंग कंडीशन में वो फिफ्टी परसेंट लोड में चल रहा है या फिर हंड्रेड परसेंट में डजेंट मैटर फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स अमाउंट होता है जो आप इन्वेस्ट कर चुके हो है ना

ना में आप बाकी कुछ कंसिडर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग तो ये हो गया लाइक अगर आप यहां पर अगर इसको प्लॉट करो मतलब फिक्स कोर्स जो है बेसिकली फिक्स कोर्स को अगर आप प्लॉट करो विद रिस्पेक्ट टू तो द प्रोडक्शन Production, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर यूनिट के टाइम बात कर सकते हो आप तो मैटर को, तो नहीं करता है आप पचास यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो भी आपका वो सेम अमाउंट लगने वाला है अगर आप वन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो भी आपका ये फिक्स कैपिटल जो है वो सेम लगने वाला है फिक्स मतलब वर्ड से क्लियर हो गया फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका है ना फिक्स कॉस्ट आप बोलोगे सिंपली है ना फिक्स कैपिटल ना बोल के इसको फिक्स कोस्ट uh, ही हो जाएगा ओके ये चीज आपको समझ आनी चाहिए ना एक हम लोग सेकंड टर्म देखते हैं वेरिएबल कोस्ट क्या होता है नाम से बेसिकली यहां पर क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल कोस्ट जो वेरी करने वाला है वेरिएबल कोस्ट एस सी है ना सो दीज कॉस्ट दीज आर दीज आर देट एक्सपेंसिस दीज आर दैट एक्सपेंसिस विच डिपेंड्स विच डिपेंड्स ऑन which depends on capacity of with capacity or production of plant production of plant okay it's example the copy these are the प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट रो मटेरियल देखिए रो मटेरियल आपका कोई भी प्लांट हो उसका कोई ना कोई तो रो मटेरियल होगा रो मेटेरियल का मतलब आप पर्टिकुलरली क्या मटेरियल यूज कर रहे हो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको आपका रो मटेरियल हो गया सो so, इसका एग्जाम्पल जो है वो रो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं देखिए रो मटेरियल आप जितना प्लांट बेसिकली मतलब कैपेसिटी uh, पे मतलब रन करने वाले हो, उतना ज्यादा रो मटेरियल आपका यूज होने वाला है है हो सकता आप फिफ्टी परसेंट कर रहे हो तो फिफ्टी परसेंट रो मटेरियल यूज होगा हो सकता है आप पे प्लांट रन कर रहे हो तो रो मटेरियल चाहिए तो सिंपली वेरिएबल कॉस्ट आपका डिपेंड करेगा प्लांट की कैपेसिटी पे तो इसका एक मैंने आपको बता दिया और इसका अगर आप कौ देखोगे तो जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बनेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आपका इंक्रीज होते जाता है सिंपली ठीक है वेरिएबल कॉस्ट वर्सिस अगर आप प्रोडक्शन यहाँ पर प्लॉट करो तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेटली क्या होगा इंक्रीज होने वाला है ऑल क्लियर नाउ अब सिंपली टोटल को आप लिख सकते हो टोटल इज इक्वल टू द फिक्स कोस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सिंपल है देखिए टोटल कोस्ट इज इक्वल टू द फिक्स कोस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट गाइस ये चीजें आपको इजी लगेगी ऐसा नहीं है कि आपको टफ लगने वाली है लेकिन कहीं से भी छोटा सा क्वेश्चन आपको मतलब पूछा जा सकता है गेट में तो इसलिए सारी चीजों को बस क्लियर रखो यहाँ से है ना वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे देखिए तो टोटल कॉस्ट 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 अभी हमने बोला कि कोस्ट कोस्ट है कि जस्ट प्लस वेरिएबल होता अब हम लोग ये तो हो गया कॉस्ट की बात ना वो हम लोग सेल की बात करते देखिए सेल मतलब सेल जो हमने कितना सेल किया है सो तो टोटल सेल मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल या टोटल सेल्स आप इसे लिख सकते हो अब टोटल सेल्स में देखिए मैं लिख रहा हूँ कि सी एस सी मैंने लिख दिया कि मेरा एक पर्टिकुलर यूनिट का सेलिंग प्राइस है मैं सी एस जो यहां पर लिख रहा हूं मैंने अभी टोटल सेल कंप्लीट नहीं लिखा देखिए सीएस जस्ट मैं लिख रहा हूं वेयर एस इज द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना आप जस्ट अगर सी की यूनिट देखो लाइक मैं अगर रुपीज में बात करूं तो रुपीज पर यूनिट ये मैंने लिख दिया यूनिट तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपको आपका प्लांट जो जस्ट एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है जो भी वो प्रोडक्ट बना होगा उसकी एन नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा होगा हो तो मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया एनट होगी अब देखो यूनिट से तो तो मतलब मतलब सेल क्या हो गया जस्ट एक प्राइस मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट तो आपको क्या देने वाला टोटल सेल्स देने वाला है ओके okay? तो यहाँ पर दो एक चीजें आपको टोटल सेल विच इज एन इन टू सेल एन इंटू सी एस वेर सी एच इज सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट एन इंटू सी एस ये दो इक्वेशन हमें भी याद रखनी है ओके नाउ okay? अब देखिए थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं हम लोग एक्चुअली सेल्स और प्रोडक्शन के बीच में या फिर कोस्ट या प्रोडक्शन के बीच में आप बात कर सकते हो कि कैसा रिलेशन आता है ठीक है देखते हैं हम लोग रिलेशन देख रहे हैं यहां पर रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट जितना आपको कॉस्ट लग रहा है और जो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है बिटवीन द कोस्ट एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ओके रिलेशन बिटवीन द कोस्ट एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे प्लॉट करोगे देखिए को मैं एक्सिस रख रहा हूं एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी को एज यूजल मैं यहां पर रख रहा हूं एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन कैपेसिटी सिंपल सा फंडा देखिए कि जब आप पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हो ठीक है तो जब स्टार्टिंग में क्या होता है ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जैसे आप सेल करना मतलब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है ऐसा तो नहीं होता है जस्ट आप क्या करते हो आप प्रोडक्ट को बेसिकली सेल करना स्टार्ट करते हो है ना तो या फिर आप एक काम कर सकते हो तो पहले कोस्ट का काउपलोड करो यहाँ पर अगर आप कोस्ट का प्लॉड करो अगर आप मतलब कि प्लॉट करोगे यहाँ पर पहले हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करते हैं हम लोग दो चीज देखते हैं देखिए टोटल कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट अब फिक्स कॉस्ट तो ये आपने एक सिंगल यूनिट भी प्रोड्यूस किया है, नहीं क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट तो मिनिमम लगता ही है ना जब आपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट भी किया वो सब फिक्स कॉस्ट में आता है तो सिंपली लाइक like, जब आपका जीरो यूनिट प्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे भी आपका कुछ ना कुछ क्या होगा टोटल कॉस्ट होगा ना इसमें फिक्स फिक्स कॉस्ट का पार्ट रहेगा बेसिकली तो यहाँ से आपका ये कर्व स्टार्ट होने वाला है उसके बाद जैसे जैसे आपका लाइक वाई एक्स एक्सिस एक, एक पे देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये कर्व क्या होगा सिंपली इंक्रीज होता जाएगा ये चीज क्लियर है तो ये कर्व किसके लिए हो गया टोटल कॉस्ट के लिए हो गया जस्ट टोटल कोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और जस्ट ये आप एरो की डायरेक्शन में देख सकते हो उसको फॉलो करेगा टोटल कोस्ट हो गया फिक्स कोस्ट इसमें रहता है उसके बाद वेरिएबल कोस्ट जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ता है वेरिएबल कोस्ट इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका टोटल कोस्ट इंक्रीज होता है ओके okay. ना अब हम बात करते हैं सेल्स की लाइक like आपने यहा पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया जब आपने पहला यूनिट बेसिकली प्रोड्यूस किया उसको आप सेल करोगे भी सेल करोगे तो कुछ अमाउंट आपको मिलने वाला है कुछ अर्निंग आपकी होने वाली है ठीक है बट वो अर्डिंग इतनी होगी जितनी आपकी कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी ना तो स्टार्टिंग में कुछ आपको अर्निंग स्टार्ट होना स्टार्ट होती है बहुत सारी यूनिट्स आप सेल करते हो है ना जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे तो आपका यूनिट सेल सेल होगा ना तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि अल्टीमेटली आपका ये जो कहो है ये किसके लिए होता है टोटल सेल्स के लिए टोटल सेल्स के लिए ये क्या होता है तो यहां से स्टार्ट हुआ ये एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये क्या करता है बेसिकली इंटरसेक्ट करता है इस टोटल कॉस्ट वाले कव को उसके बाद यहां पर फाइनली आप देखते हो कि इस टाइप का आपको कौ मिलता है अब देखिए यहां पर यहाँ पर आपको दो रीजन बेसिकली मिलता है एक ये वाला रीजन है एक ये वाला रीजन आपके पास में ठीक है तो इसमें ये वाला जो रीजन है बेसिकली देखिए यहां पर आप देखते हो कि ये आपका लॉस वाला रीजन है और ये वाला जो रीजन आप देखते हो कि आपका प्रॉफिट वाला रीजन है कैसे देखिए कोस्ट आपका वाई एक्सिस पे है कोस्ट आपका वाई एक्सिस पे देखिए पर्टिकुलरली किसी भी पॉइंट पे आप इस इस अगर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करो इससे पहले अगर आप देखते हो तो ऑलवेज ब्लैक लाइन जो है सेम अगर आप एक लाइन ड्रॉ uh, करो तो उस पे देखते हो कि ऑलवेज आपका जो सेल है वो आपको लोअर मिलता है जो आपका कोस्ट है टोटल कोस्ट वो आपको हायर मिलता है लेकिन जैसे ही इस पर्टिकुलर जब ये इंटरसेक्ट करता है जब क्रॉस करता है बेसिकली इंटरसेक्ट करके यहाँ पर इस टोटल कोस्ट का कहो को टोटल सेल वाला कहो तो सिंपली क्या होता है किसी भी पॉइंट पे आप प्लॉट करके देखो यहाँ पर जस्ट आप देखोगे ऑलवेज टोटल सेल वाला आपको हाईर वैल्यू मिलता है कंपेयर यहाँ पर कॉस्ट कॉस्ट वाली अगर कहो को हम देखे तो है ना जैसे ये रुपीज में रहेगा आपका रुपीज लेक जिस भी यूनिट में आप यूज करो ठीक है ये तो आपका यूनिट्स हो गया तो, प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स एंड यहाँ पर ये कॉस्ट जो आपका रूपीज हुआ ना कॉस्ट या फिर इसमें कॉस्ट एंड प्रॉफिट आप दोनों लिख सकते हो कॉस्ट या फिर सेल लिख सकते हो कॉस्ट एंड सेल्स में बेसिकली आप लोट कर रहे हो ये है ना ओके तो ये जो पॉइंट होता है ना बेसिकली ये पॉइंट ये क्या बोलता है आपको देखिए इसको अच्छे से इस पॉइंट पे आपका टोटल कोस्ट जो है और टोटल सेल्स दोनों इक्वल है ये जो पॉइंट होता है ना इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है जिस पॉइंट पे आपका सेल्स जो है सेल्स का जो अमाउंट होता है वो किसके इक्वल होता है टोटल कोस्ट के इक्वल होता है तो ये चीज क्लियर है ठीक है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देखिए ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट एट द टोटल कॉस्ट एट द टोटल कॉस्ट इक्वल टू इक्वल टू द टोटल सेल्स ओके चीज क्लियर है तो यहां पर एट ब्रेक पॉइंट एट ब्रेक पॉइंट क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट जो है तो किसके इक्वल होगा टोटल सेल्स के इक्वल होगा ओके okay? तो यहां पर आप यह बोल सकते हो बेसिकली कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वहां पर आपका क्या होता है नो 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 प्रॉफिट लॉस कंडीशन होता है सिंपल वर्ड में आप लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो नो 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 लॉस लॉस एंड एंड प्रॉफिट कंडीशन ओके नाउ अब यहां पर हम लोग एक टाइम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलरली इस टाइम पे इस टाइम पे जितना एन यहां पर आपको जो यूनिट मिलता है उसे मैं एन बी से मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे है ना ये नंबर ऑफ यूनिट ये नंबर ऑफ यूनिट एनबी जो है आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे तो ये आपका हो गया देखिए नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट ना सो नंबर ऑफ यूनिट जितनी आपको यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड तो इसे हम लोग एनबी से लिख रहे हैं ठीक है ओके ये कहां पर आएगा बेसिक जब सेल्स वाला टाइम जब लिखोगे कितने यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि तो उसका जो पर्टिकुलर एक यूनिट का जो सेल अमाउंट है सेलिंग uh, अमाउंट उससे जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो अमाउंट आता है टोटल सेल ये आपके टोटल कॉस्ट इक्वल होता है तो आप लिखिए देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड नाउ राइट हैंड साइड में देखिए टोटल सेल्स तो टोटल से क्या हो जाएगा पर्टिकुलरली जितना यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ब्रेकिंग एनबी यूनिट प्रोड्यूस करोगे इज मल्टीप्लाई बाय द बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट ये आपको एक इक्वेशन मिल गई यहां ओके ये एक इक्वेशन मिल गई इसको मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एन बी इन सी एस ये चीज क्लियर है Now, अब यहां पर आप लिख सकते हो देखिए कि जो वेरिएबल कॉस्ट है रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट को तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ये किसका फंक्शन होता है ये आपके जो नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो है ना ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट पे जो नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो सिंपली उसका एक फंक्शन होता है ना सो so, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है सिंपली लाइक आपका सीवी जो है ये सीवी आपका पर्टिकुलरली एक यूनिट का मतलब कॉस्ट हो गया जितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट आपको मतलब रो की टाइम अगर मैं बात करूं जस्ट एग्जांपल के लिए तो उतना ज्यादा रो मटेरियल आपको चाहिए मतलब उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगा तो ये आप जितना यूनिट प्रोड्यूस करते हो उसका फंक्शन होता है वेरिएबल कॉस्ट जनरली ठीक है तो आप सिंपली यहां पर लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट ए फंक्शन लेकिन ये फंक्शन कम होगा जब आपको मेंशन होगा एक्चुअली क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं है तब आप इसको फंक्शन नहीं मानोगे तब आप इसको भी क्वेश्चन मानोगे मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट अ फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन एन मींस नंबर ऑफ यूनिट्स अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इट इज स्पेसिफाइड कहां पर स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा आपको है ना ओके okay?

CV is the variable cost. CV is the variable cost. CS is the selling price. CS is the selling price. Selling price per unit करके लिख सकते हो आप ये just per unit per unit रहेगा variable cost and selling price. Now उसके बाद आप N लिख N भी लिख सकते हो basically N भी किसको represent कर रहा है break even point in unit production. Break even point. ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन यूनिट ऑफ इन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सिंपली क्लियर है तो अब देखिए इस टॉपिक को हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे उससे हमें क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसके साथ ही ठीक है तो देखिए पहला क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन यहां पर देखिए द एनुअल प्रोडक्शन कोस्ट द एनुअल द एनुअल प्रोडक्शन कोस्ट ऑफ ए प्लांट द एनुअल प्रोडक्शन कोस्ट ऑफ ए प्लांट रुपीज थर्टी सिक्स पॉइंट फोर लेख एनुअल प्रोडक्शन कोस्ट दे दिया नाउ नाउ वाइल द सम ऑफ फिक्स चार फिक्स

एनुअल सेल्स है इज सेवेंटी टू पॉइंट एट लेख ओके एंड प्रोडक्ट सेल एंड प्रोडक्ट सेल्स एट रुपीज फाइव ट्वेंटी पर यूनिट फाइव ट्वेंटी पर यूनिट ये कंप्लीट क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है इसमें एंड ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट्स कितनी आपको प्रोड्यूस करनी है वो बेसिकली कैलकुलेट करना ठीक है सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट गिवन है सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है जस्ट सबसे पहले आपको एक्चुअली एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है ठीक है इस क्वेश्चन में देखिए एक्चुअली एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्लांट इज थर्टी सिक्स द सम ऑफ द फिक्स चार्जेस फिक्स चार्जेज मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो ट्वेंटी सिक्स लेकर वो आपका फिक्स कॉस्ट है यहां पर

is इक्वल टू द फिक्स cost प्लस द variable cost ठीक है यहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं होगा वैसे जिस आप एड करोगे तो फिक्स देखिए वेरिएबल तो ultimately आपको मिलने वाला lag, total cost. ये चीज आप समझ सकते हो टोटल कितना है ओके तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ता था अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मुला कॉस्ट प्लस ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या लिखते थे जस्ट एनबी इंटू क्वल टू एन बी इन टू सी एस ये सेलिंग प्राइस हो गया ये डायरेक्ट इसमें देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऑफ द सेलिंग है ना सेलिंग कॉस्ट आप बोल सकते हो फिर टोटल uh, कॉस्ट uh, मतलब जस्ट सेलिंग टोटल सेल बोल सकते हो इसे आप रूपीज की टाइम में जो भी आप यूनिट यूज करते हो में लिखो आप अब तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको टोटल सेल्स गिवन था ठीक है इस क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स जो है गिवन था एक्चुअली तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते total sales, total sales लिख so, लिख हो देखिए टोटल टोटल सेल्स सेल्स इज़ इक्वल टू एन बेसिकली इस क्वेश्चन में एन जो यूनिट है वो तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है लेकिन ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इनकरेक्ट इस क्वेश्चन में आपको क्या आपके लिए बेसिकली क्या नॉन है देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास में है में है लास्ट लाइन में में गिवन पर पर यूनिट इस क्वेश्चन आपके पास ये सी भी नहीं बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट जो है ना ये बेसिकली आपके पास में नहीं है ठीक है ये वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में नहीं है तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या तभी तो आपको बेसिकली इसने इतना डाटा दिया हुआ है ना ये आप यहाँ पर क्या करोगे देखिए पहले आप एक्चुअली नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करो मतलब

यह सीवी वेरिएबल होगा सीवी वेरिएबल मान के चलना पड़ेगा एक्चुअली क्वेश्चन में मतलब ऐसा नहीं आपको जनरली गिवन रहता है ठीक है मैंने थ्योरेटिकल में बोल रहा हूँ वो चीज लेकिन जनरली क्वेश्चन जो है आपको उसको वेरिएबल कोर्स मान के ही चलना पड़ेगा ठीक है ये चीज क्वेश्चन करने से आप में बिल्ड हो जाएगी ना याद है अभी धीरे धीरे अभी क्वेश्चन करना देखिए पहली चीज मैंने यहाँ पर ये मैंने एन कैलकुलेट कर लिया यूनिट अब मैं सेकंड टाइम देखिए क्या करूंगा बिकॉज मुझे इस क्वेश्चन में हाँ, आप एक्चुअली क्या कर रहे होंगे ये शायद इसको आप डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पुट कर दे रहे थर्टी सिक्स पॉइंट फोर पुट कर दे रहे होंगे तब आपका आंसर आ रहा होगा ठीक है तो आप क्या करोगे एक्चुअली इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा आपको पुट करना पड़ेगा इस सीवी वेरिएबल कॉस्ट होगा बिकॉज एक्चुअली एनुअल जब इसने करके दिया है ना मतलब इसने जैसे फिक्स चार्जेस लिखा वैसे इसने वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिख दिया एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लांट इज रुपीज थर्टी सिक्स मतलब वेरियबल कोर्स दे दिया मतलब तो उस में आप वो वेरिएबल ही रहेगा बेसिकली सिंपल यहाँ पर आप क्या कर लिखोगे उसके बाद जस्ट वेरिएबल कोर्स आप लिखोगे वेरिएबल कोर्स इज इक्वल टू एन बन टू सी बी जस्ट वेरियबल कोर्स है शोर्ट फॉर्म टू सी तो वेरियबल कोर्स पुट करो इसमें कितना की थर्टी सिक्स पॉइंट फोर ले तो उसको रूपीज में पुट करो थर्टी सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन पावर फाइव इज इक्वल टू टोटल अपने हिसाब से नहीं करना है ना टोटल टोटल सेल मतलब या कम या वो मैटर नहीं, नहीं करता बिल्कुल आप उस चीज से जज नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर टोटल सेल्स से भी कम आता है दोनों के समीशन यहाँ तो कम नहीं इन्वेस्टमेंट क्या कितना आ रहा है दोनों को सम करें तो सिक्सटी टू पॉइंट फोर आ रहा है टोटल कॉस्ट और सेल हमारा ज्यादा है तो यहाँ तो प्रॉफिट ही है वो वो सब चीज तो अगर लॉस भी होता है तो हमें हमें नहीं सोचना है है ना वो चीज हमें नहीं सोचना है जनरली लेकिन देखो सिंपली अभी यहां पर वेरिएबल कोर्स जब आप पुट करोगे तो अब आपके पास ये बेसिकली क्या नहीं है आपके पास एन बी नहीं है ना सॉरी ये ओके मैंने एक्चुअली इसको एनबी लिख दिया कि इसको एनबी नहीं लिखना है अभी ये एनबी तो ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है जैसे एन इन टू सीबी लिखना आपको क्यों किया क्यों किया भाई क्यों कर रहे हो ये इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दे रहे हो आप यूनिट से क्या पर्पज है वहां पर आपका अरे टोटल कॉस्ट कम है ये तो ये इससे मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि आपको फाइव ट्वेंटी से डिवाइड करना है लॉजिक के पीछे मतलब लॉजिक क्या है आपके मतलब स्टेटमेंट के पीछे मतलब कोई स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी रहता है ऐसा कि पर्टिकुलर आप आपको क्वेश्चन को समझना है आपको क्वेश्चन को ठीक आप ये लिखोगे ना ये आप ये करके आप डायरेक्ट ये, ये कर रहे हो मतलब आप अल्टीमेटली मिस क्या कर रहे हो आप वेरिएबल को जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है उसको वेरिएबल नहीं मान रहे हो ना आप उसको एक फिक्स कॉस्ट मान ले रहे हो तब आप तभी स्टेटमेंट बोल रहे हो ठीक है लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल आपको मानना है ना ठीक है क्वेश्चन में ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए एन इन टू तो यहाँ से आपको एक्चुअली क्या मिलेगा है ना ये एन हो गया आपका ये एन यहाँ पर पुट कर दो फोर्टीन ठीक है ये फोर्टीन पुट कर दो इंटू ऑफ सीवी यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट करना वेरिएबल कॉस्ट तो सीबी आपको मिल जाएगा ऐसे कितना टू सिक्सटी रुपीज पर यूनिट सीबी मिल गया जब आपको सीबी मिल गया तो पुट कर दो इसमें जस्ट एनबी फिक्स कॉस्ट आपके पास में सी एस आपके पास में फाइव ट्वेंटी तो एनबी तो अनोन अभी कैलकुलेट कर लो देखते हैं आंसर क्या आता है फिक्स कॉस्ट प्लस एन बी इन टू सीवी इक्वल टू एन बी इन टू सी एस अगर आपके पास जो आंसर इस वेरिएबल इसको वेरिएबल मान के चलना है अगर वो आंसर ऑप्शन में नहीं रहता है

इक्वल टू एन बी एनबी इंटू सी एस सी एस क्वेश्चन में फाइव ट्वेंटी कैलकुलेट करो यहां से ट्वेंटी आप लिख सकते हो एनबी एनबी हो जाएगा अल्टीमेटली तो आपको मिल जाता है एनबी टेन थाउजेंड यूनिट पर ईयर और क्वेश्चन देखते हैं इससे क्लियर हो जाएगी चीजें ओके okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है टेन थाउजेंड क्या टाइप कर रहे हो भाई पूरा सॉल्यूशन ठीक है देखो क्या है फिक्स कोस्ट वेरिएबल कॉस्ट फिर टोटल कोस्ट लिखा उसका तो कोई यूज किया नहीं हमने फाइनल मैंने इक्वेशन लिख दिया ब्रेक पॉइंट वाली उससे पहले हमने टोटल सेल्स से एन की यूनिट कैलकुलेट की वेरिएबल कॉस्ट हमने माना वेरिएबल कोर्स जो है उसको वेरिएबल माना तो सिंपली वहां से हमने सीबी कैलकुलेट किया सीबी इसमें पुट किया तो ये सॉल्यूशन हो गया ओके जस्ट वन टू एंड थ्री स्टेप्स ठीक है अभी मैं नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके ए प्लांट प्रोड्यूस ए प्लांट या बिल्कुल दिया है बंद रखो अपने से सोल करो खुद प्रैक्टिस करो है ना सो ए प्लांट प्रोड्यूस इज ए प्लांट प्रोड्यूस इज फिनॉल ए प्लांट प्रोड्यूस इज फिनोल द वेरिएबल द वेरिएबल कोस्ट इन Rupees per ton of phenol per ton of phenol is per ton of phenol is related to the related to the plant capacity related to the plant capacity P in in 10 per day फोर फाइव जीरो 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 प्लस ऑफ फाइव पी ठीक है क्वेश्चन में लिख देता हूँ आप साथ में इसमें देखते जाओ क्या क्या आपको गिवन है नाउ द फिक्स चार्जेस नाउ द फिक्स चार्जेस आर रुपीज वन लेख पर डे द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनॉल द सेलिंग प्राइस ऑफ phenol rupees 50000 per ton calculate the calculate the break even capacity calculate the break even capacity in in tons in tons per day okay तो देखिए कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट द कैपेसिटी क्या कैलकुलेट करना है कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है ठीक है और ये क्वेश्चन जो है आपका गेट टू थाउजेंड टेन का क्वेश्चन है आई टी गुवाहाटी का पेपर था गेट टू थाउजेंड टेन का और आई टी गेट ट्वेंटी टू जो है वो कौन बना रहा है आई टी खड़गपुर ओके सो गिवन है इसमें देखिए प्लांट प्रोड्यूस द फिनोल द वेरिएबल कॉस्ट इन रूपीज पर टन ऑफ फिनोल इज रिलेटेड टू द द्लांट देखिए इसमें सिंपली आप जो कॉस्ट को देखोगे ना 40 प्लस ऑफ फाइव मतलब वो पी पे डिपेंड करा मतलब कैपेसिटी पे डिपेंड करा मतलब वेरिएबल हो गया तो यहां पर ये होगी ना हो तो फिक्स चार्जेस आर चार्जेस दे दिया वन लेख पर डे नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनोल इज फिन पर टन नाउ कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको सो so डायरेक्टली आपको इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर ओके अब आप बोल सकते हो कब फॉर्मुला आपका यही रहेगा देखिए ऑलवेज टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल वहीं से आपका आता है फिक्स प्लस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स ठीक है लेकिन अब आपको ये वेरिएबल कोस्ट एनबी इंटू सी एस वैसे करके नहीं लिखना आपको है ना आपको ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ये जो है आपको डायरेक्टली इसमें एक्चुअली टोटल सेल गिवन है

फिक्स कॉस्ट गिवन है वन लेख पर डे वन लेख रुपीज पर डे नाउ प्लस ऑफ इक्वल टू यहां पर एक कुछ टाइम आएगा हमारे वेरियबल कॉस्ट के लिए इक्वल टू में पहले सेलिंग टोटल सेल लिख देता हूँ देखिए तो टोटल सेल 50 ,000. 50 ,000 क्या है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड की टोटल सेलिंग गिवन है इसमें द प्राइस ऑफ फिनोल रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर टन तो ये आपको रुपीज पर टन में गिवन है नाउ इसको अगर आप जस्ट पी से मल्टीप्लाई कर दो पी बेसिकली क्या यूनिट है ना जस्ट पी ब्रेकेट में गिवन है कैपेसिटी है

वेरिएबल कॉस्ट के लिए द वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज पर टन ये किसमें गिवन है इन रुपीज पर टन एक काम ये कर सकते हो इस लेख को रिमूव करने के लिए जैसे आप क्या लिख दोगे वन इंटू टेन पॉल फाइव कर दोगे तो ये रुपीज पर डे आ जाएगा यहां पर ठीक है न तो यहां पर ये आपको गिवन है रुपीज पर टन गिवन है एक्चुअली सेम यहां पर भी जैसे रुपीज टन है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको जब पी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी का यूनिट कैसे टन पर डे टेन से टन कैंसिल आउट हो जाएगा रुपीज पर डे रुपीज पर डे और ये यूनिट भी आपका रुपीज में ही है ना जस्ट इसको आप वन इंटू टेन पावर अगर फाइव लिख देते हो तो ये सिंपली क्या हो गया लिख की जगह आप रुपीज लिख सकते हो फिर तो रुपीज पर डे हो गया ओके okay? सारे यूनिट इक्वल है अभी तो वन इंटू टेन पावर फाइव प्लस ऑफ फोर फाइव जीरो जीरो प्लस ऑफ फाइव पी इंटू पी ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड इंटू पी ये आपका बेसिकली क्या हो गया टोटल सेल्स हो गया, मिल गया, इक्वेशन मिल गया, equation, और उसको जब सोल्व करोगे ऑलरेडी तो कर थाउजेंड तो है, है तो इस फिफ्टी थाउजेंड पी को जब इधर लेके आओगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव थाउजेंड पी हो जाएगा सिंपली तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा टेन पावर फाइव टेन पावर फाइव फिफ्टी थाउजेंड यस यस ठीक है सो पावर फाइव माइनस ऑफ फाइव थाउजेंड हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव थाउजेंड पी प्लस ऑफ फाइव पी इक्वल टू जीरो लिख सकते हो गया, 5, P, और बाद इसको आप सिंपली इस तरीके से ना, 3, 2, 5, uh, 10 है ना थ्री टू फाइव टेन पावर फाइव है ना इक्वल टू जीरो आपका प्लस में रहेगा एक कंप्लीट इक्वेशन को फाइव से डिवाइड कर सकते हो जस्ट इजी बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हो जाएगा पी स्क्र माइनस ऑफ वन थाउजेंड पी प्लस ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड 20,000 थाउजेंड इक्वल टू जीरो आपका इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इसको सोल्व कर सकते हो भी p इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वे रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ऑफ 4ac अपॉन ऑफ 2a तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो माइनस का आ, b की वैल्यू आपका माइनस थाउजेंड है तो ये हो जाएगा प्लस 1,000 प्लस माइनस वन थाउजेंड माइनस ऑफ फोर फोर इंटू वन नाउ इज डिवाइडेड बाई टू इंटू तो जब आप सोल्व करोगे तो एक बार आपको, आपको वैल्यू भी आ गया लेकिन जब आप नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड मतलब नाइन थाउजेंड सेवन नाइन पॉइंट यूनिट जब प्रोड्यूस करते हो तो भी आपका बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट होता है बेसिकली जितना यूनिट आप प्रोड्यूस करो ऐसा नहीं कि उतना प्रॉफिट बढ़ रहा है हो सकता है उसमें फिर आपका कॉस्ट वगैरह बढ़ गया हो तो वो एक अलग एस्पेक्ट है लेकिन पहला जब आपका पहला बेसिकली टर्म जो आ रहा है कि है तो जब ये ये वो एक्चुअली वैलिड नहीं रहेगा जो आपका आपका हाइयर जो आंसर आ रहा है वो वहां पर वैलिड नहीं रहेगा तो सिंपली आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ट्वेंटी पॉइंट फोर वन सिक्स ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन ठीक है हमने क्या किया यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन में देखिए हमें वेरिएबल कोर्स गिवन था फिक्स कोर्स फिक्स कोर्स गिवन था उसके बाद हमें टोटल सेल गिवन था तो जस्ट हमने इक्वेशन ब्रेक इवन पॉइंट प्लस वेरिएबल इक्वल टू टोटल सेल सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी जस्ट पी से मल्टीप्लाई किया बिकॉज कैपेसिटी गिवन था टेन पर डे में उसे मल्टीप्लाई किया कंप्लीट इक्वेशन डे पर डे में हो गई और हमें फाइनली यहाँ से जो पी का वैल्यू था वो हमें कैलकुलेट करना था ये टू मार्क्स का क्वेश्चन था गेट टू थाउजेंड टेन का नेक्स्ट okay? मूव तो करते हैं हम लोग ओके सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल ठीक है तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट uh, जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहने वाला है ओके okay, यहां पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ अभी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और उस ऑप्टिमाइजेशन में ही बेसिकली जो मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा था टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वो टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हो आप टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला ये टाइम हम इसमें ऐड कर सकते हैं ओके नाउ इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एक आपका होता है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक आपका होता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ से बहुत बार वन वन मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं है ना कुछ छोटी मोटी टाइम्स रहेगी हो हो गया लेंथ फैक्टर गया ये सब टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया बिकॉज यहाँ से ये थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी ओके उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ द वेल्स डिजाइनिंग ऑफ द वेसल्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल मोस्टली सिलेंड्रिकल पोर्शन ही डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल वेसल्स जो है उसकी डिजाइन की हम लोग बात करते हैं ओके तो ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक हमारा बेसिकली रहता है एनालिसिस का वो डिटेल में हम लोग उसमें टाइम लगेगा ठीक है प्रोफिट एनालिसिस जो टॉपिक वो डिस्कस करेंगे तो पहला टारगेट होगा हमारा इन दो टॉपिक्स को कंप्लीट करने का उसके बाद देखते हैं प्रोफिट एनालिसिस पॉसिबल होता है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ओके गाइस तो कंप्लीट करते हैं हम लोग आज के सेशन में यहीं पे